हेलो गाइस, मैं हूँ रीता। मेरे चैनल फूड विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मेथी और चने की दाल का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। वैसे मेथी अधिकतर लोगों को पसंद नहीं होती, उन्हें मेथी का टेस्ट कड़वा लगता है, पर आज मैं मेथी का इतना टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी कि आप भी मेथी खाना शुरू कर देंगे। और मेथी तो खाना भी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जी भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद जो होती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी, वजन में बताएं तो 100 ग्राम चने की दाल को 3 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दिया था। और ये देखिए, दाल हमारी जो है वो सोख भी हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसका पानी हटाकर एक जार में डाल देंगे। अब इसमें एक कटोरी दही डालेंगे, और दही जो थोड़ा कटोरी में लगा रह गया था ना, उसमें थोड़ा पानी डालकर जार में ही डाल देंगे। अब इसे एकदम फाइन पेस्ट पीस कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का ग्राइंड करना है हमें। अब इसमें जाएगा एक कटोरी मेथी। मैंने क्या करा था, मेथी को पहले ही धोकर इसकी पत्ती को चॉप कर लिया था। अब 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और इसी के साथ इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसे एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 1/3 चम्मच खाने वाला सोडा भी ऐड कर देंगे। एक बार फिर से मिक्स करेंगे। अब ये तो मिक्स हो गया है, अब क्या करना है, एक बर्तन लेंगे जिसमें भी आपको ये नाश्ता बनाना हो, उसे ना ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब जो हमने बैटर बनाया था ना, वो इसमें डाल देंगे, और इस तरह से थोड़ा पटक देंगे ताकि सभी साइड में बैटर बराबर से सेट हो जाए। अब क्या करना है, इसके ऊपर से लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो चलिए अब इसे स्टीम कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने क्या करा है, एक कढ़ाई में पानी डालकर उसमें इस तरह की जाली रखकर गर्म करने को रख दिया था। अब इस थाली को इसमें आराम से रख देंगे, और कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे। और ये देखिए, नाश्ता तो अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसे चाकू से कट करेंगे। तो अब क्या करना है, एक तड़का पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल गरम कर लेना है। फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों के दाने, 1/2 चम्मच जीरा, और थोड़ी कटी हुई हरी धनिया। फ्राई करने के बाद इसे इस तरह से नाश्ते के सभी साइड में डालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसे निकाल कर अलग प्लेट में रख लेते हैं। और ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी हेल्थी चटपटा नाश्ता बनकर रेडी है। तो जल्दी से बनाकर ट्राई कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।